अस्सलाम वालेकुम। हैमस्टर कॉम्बैट पर इतनी मेहनत करने के बाद आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे, यही वो सवाल है जिसे रोज लाखों नहीं करोड़ों लोग सोचते हैं। कुछ लोग अपने माइन किए हुए कॉइंस को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 से डायरेक्टली जरब दे रहे हैं और अपने लिए गाड़ी या घर खरीदने का सोच रहे हैं, और कुछ लोग प्रॉफिट पर और को डायरेक्टली 3.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और खुद को वो लाखों और करोड़ों का मालिक समझ बैठे। लेकिन इसमें गलती आप लोगों की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद कुछ ऐसा ही लगता है कि आने वाली दुनिया हमारी बदल रही है हैमस्टर कॉम्बैट से। माना कि हैमस्टर कॉम्बैट बिल्कुल रियल है, लिस्ट भी होगा, लेकिन आप लोगों को कितना एयर ड्रॉप मिल सकता है इसकी कैलकुलेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। हैमस्टर कॉम्बैट एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्मूले से होगी, किन किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाएगा, ये सब कैलकुलेशन इतनी सीधी नहीं है। इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि प्रॉफिट पर और लेवल, रैंक, कार्ड्स लेवल, एक्सपायर्ड कार्ड और इसके अलावा भी बहुत से और फैक्टर्स। अब इन तमाम फैक्टर्स से कैसे आप लोग एयर ड्रॉप्स को कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के साथ सिखाऊंगा। ये कैलकुलेशन नॉट कॉइन के यूज केस और इसके अलावा हैमस्टर कॉम्बैट की ऑफिशियल न्यूज को जहन में रखते हुए मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यानी कि इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो फायदा आप ही का होगा। हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करने, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मैक्सिमम लोगों को कमेंट्स के रिप्लाईज मिल जाते हैं। कुछ अरसा पहले हैमस्टर कॉम्बैट की जानिब से एक ऑफिशियल न्यूज हमें मिली थी, आपने भी सुनी होगी, कि एयर ड्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट पर और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज पर होगी। अदर एक्टिविटीज में क्या कुछ शामिल है ये उन्होंने कहा था कि हम लोग बाद में बताएंगे, और आखिर में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि कॉइन बैलेंस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जिससे साफ ये बात जाहिर है कि प्रॉफिट पर और ने लाजमी इंक्लूड होना है, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। और कॉइन बैलेंस जिसको आप लोग अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे उसको आप लोगों ने बिल्कुल कैलकुलेशन से निकाल देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे नॉट कॉइन के केस में हुआ था, मेरी कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा अर्निंग की थी, सबसे ज्यादा एयर ड्रॉप्स मिले थे, इसी तरह हैमस्टर कॉम्बैट पर भी मेरी कम्युनिटी यानी कि आप सब लोग सबसे ज्यादा अर्निंग करो। हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे इनकी अपडेट्स का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, आपने किसी भी अपडेट को मिस बिल्कुल नहीं होने देना। हर अपडेट पर सबसे पहले मेरी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगी। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि कॉइन बैलेंस कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा, लेकिन कॉइन बैलेंस के बगैर आप लोगों को एयर ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन हो रही है ना, चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूं, जहां पर मैं आप लोगों को A to Z सब कुछ समझा दूंगा। इस वीडियो में एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, यानी कि आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। हैमस्टर कॉम्बैट की ऑफिशियल न्यूज के मुताबिक यहाँ पर प्रॉफिट पर और का बढ़ाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट पर और 2.7 मिलियन है। प्रॉफिट पर और से कैसे कैलकुलेशन होगी वो मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने प्रॉफिट पर और को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए जनाब माइन की ऑप्शन के अंदर आपको बहुत से कार्ड्स मिल जाएंगे जिनको आप लोगों ने सब्सक्राइब करना होता है, जिससे इन कार्ड्स के लेवल्स बढ़ते हैं। जैसा कि अगर आप पहले कार्ड को देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CEO, जिसका लेवल 10 है, यानी कि मैंने इसको 10 बार सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी तरह शुरू में कुछ कार्ड्स आप लोगों को लॉक मिलते हैं, जिनको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर लिखा होता है, जिसको आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से देखना होता है। जैसा कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर को अनलॉक करने के लिए आपको एक्स कार्ड सर्च करना होगा और उसको 5 लेवल तक पहुंचाना है, इसके बाद ये कार्ड यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप लोगों के पास कॉइन बैलेंस का होना भी इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो कि कॉइन बैलेंस आप लोगों की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट पर और को बढ़ाने के लिए आप लोग जितने भी कार्ड्स को यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए आप लोगों के पास कॉइन्स का होना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर आप लोगों ने उन कार्ड्स को ढूंढना है जहाँ आप लोगों के कॉइन्स कम और प्रॉफिट पर और आपको ज्यादा मिले। अब
प्रॉफिट पर और की कैलकुलेशन कैसे होगी, आप लोगों को कितने एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। इसके अलावा इस फॉर्मूले में और कितनी चीजें ऐड होंगी, आपने कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, ये सब मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। इसमें जनाब 4 से 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिनके बारे में मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। एक बात तो आप लोग जानते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट के 255 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है। अब इतने लोगों को एयर ड्रॉप देना इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन इन्होंने अपनी कम्युनिटी को नाराज नहीं करना। इस वजह से इन्होंने कुछ ऐसे चेक्स लगाने हैं जिसकी वजह से 60 से 70% ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएं, यानी कि इस गेम से टोटली आउट हो जाएं। इसी वजह से एयर ड्रॉप फॉर्मूला में इन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा, जिनका मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। आपने 10 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले तो जनाब प्रॉफिट पर और, फॉर एग्जांपल आप लोगों का प्रॉफिट पर और 2 मिलियन का है, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो नॉट कॉइन के केस को जहन में रखते हुए सबसे पहले तो आप लोग अपने प्रॉफिट पर और को 1000 से डिवाइड कर दें, यानी कि तकसीम कर दें। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा 2 मिलियन और इसको मैंने डिवाइड किया 1000 से, तो आंसर आया 2000। इसको आपने याद रखना है। अब फॉर्मूले में कैलकुलेशन के लिए हमने सेकंड फैक्टर को भी समझना होगा, जो कि है लेवल्स का। ये बात तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 11 लेवल्स हैं। लेवल कैसे चेंज होता है, आप लोगों के माइंड किए हुए कॉइंस पर। जैसा कि सेकंड लेवल पर जाने के लिए आप लोगों के पास 5000 कॉइंस का होना इंपॉर्टेंट है, जो कि सिल्वर के नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह डिफरेंट लेवल्स में आप लोगों को कितने कॉइंस रिक्वायर्ड होंगे, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेवल से आप लोगों ने कैसे डिजिट्स को उठाना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। जैसा कि इस वक्त मैं लेवल 10 पर हूँ, जिसकी रिक्वायरमेंट है 1 बिलियन। अगर इसी स्टेज पर मैं बहुत से कार्ड्स को और सब्सक्राइब करूँ अपने प्रॉफिट पर और को बढ़ाने के लिए, और मेरी ये कॉइन 1 बिलियन से कम हो जाए, तो क्या मुझे लेवल 9 पे भेजा जाएगा या मेरा लेवल 10 ही रहेगा? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर लेवल सिर्फ बढ़ते हैं, लेवल कम नहीं होते। यानी कि अपने प्रॉफिट पर और को भी बढ़ाया और साथ साथ अपने लेवल को भी मैंने यहाँ पर मेंटेन रखा। अब ये दोनों आप लोग कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए जनाब आप लोगों ने डेली साइफर और डेली कॉम्बो का लाजमी यूज करना है। डेली साइफर या कॉम्बो आप लोगों को कहां से पता चलेगा, मैं अपने चैनल की कम्युनिटी में इसको डेली पोस्ट करता हूं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। चले अब हम अपने फॉर्मूले की जानिब चलते हैं। जो भी लेवल है उसको जनाब आप लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि मेरा लेवल है 10, तो जनाब मुझे यहाँ पर 20,000 एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। लेकिन इसमें मजीद फैक्टर्स की बेस पर अभी प्लस माइनस भी होना है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों का लेवल 9 है, तो आप लोगों ने इस तरह इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9। बात समझ आ रही है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊं। चले मैं मिसाल दे रहा हूं लेवल नंबर 10 की। लेवल में रहते हुए डिफरेंट लोगों के रैंक्स आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अगर नंबर 1 पर हैं, तो बहुत से लोग यहां पर 10,000 प्लस में भी हैं। अब यहां पर मेरा आपसे एक लॉजिकल सवाल है कि लेवल नंबर 10 में रहते हुए रैंक नंबर 1 को जितने एयर ड्रॉप्स दिए जाएंगे, तो क्या यहां पर जो 10,000 नंबर पर है उसको भी उतने ही एयर ड्रॉप्स मिलेंगे? ये मेरा आपसे सवाल है, जिसका आप लोगों ने कमेंट में जवाब देना है। कमेंट में आपने लिखना है सेम या डिफरेंट। तो जनाब मैक्सिमम लोगों ने डेफिनेटली यही बात कही होगी कि रैंक नंबर 1 वाले को ज्यादा एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पर मजीद फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक वजह प्रॉफिट पर और है, लेकिन फैक्टर नंबर 3, 4 और 5 का जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड फैक्टर के बारे में जानने के लिए आपने माइनिंग की ऑप्शन पर आना है, और यहां स्पेशल को सेलेक्ट करने के बाद आपने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को क्लिक कर देना है। यहां पर जितने भी कार्ड्स मुझसे एक्सपायर हुए हैं, उनकी जनाब यहां पर कटिंग की जाएगी। ऑल्दो कि ये कटिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूले में इनको निकालना पड़ेगा। तभी हैमस्टर कॉम्बैट की पहली वीडियो से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों ने हर कार्ड को कम से कम एक लेवल तक लाजमी सब्सक्राइब करना है। और साथ में मैंने पिछली वीडियोस में ये भी कहा था कि आप
आप लोग अपने इस लेवल को 5 या इससे ज्यादा लाजमी पहुंचाएं ताकि आपको ज्यादा एयर ड्रॉप्स मिलें। हैमस्टर कॉम्बैट को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोग एज अ सीईओ इसको ज्वाइन करते हैं, राइट, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इस वजह से आप लोगों के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कार्ड्स हैं उनको आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना होता है। तो जितने कार्ड्स आप लोगों से एक्सपायर हो चुके हैं उनकी आप लोगों ने पेनल्टी लाजमी पे करनी होगी, यानी कि फॉर्मूले से उनको माइनस किया जाएगा। यहाँ पर हर एक्सपायर्ड कार्ड का नंबर 0.1 है, जो भी टोटल आएगा उसको आप लोगों ने जनाब यहाँ से माइनस करना है। आपको समझाने के लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर गिन भी लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहां मैंने लिख दिया 15। इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, यानी कि मेरे एयर ड्रॉप से 1.5 को पहले माइनस किया जाएगा। अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन की थी 2 मिलियन प्रॉफिट पर और इसके अलावा लेवल नंबर 10 पर, तो वो थी 20,000। इससे मैंने माइनस किया जनाब 1.5 को। यहां तक बात समझ आ गई ना? इसके बाद चौथा फैक्टर जिससे आप लोगों को फायदा होगा वो है जनाब यहाँ पर आप लोगों के सब्सक्राइब कार्ड्स। अच्छा, यहाँ पर कार्ड्स की जो कैलकुलेशन होगी उसको आपने ध्यान से समझना है। दो किस्म के कार्ड्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। नंबर 1 वो कार्ड्स जो कि यहाँ पर लॉक होंगे, नंबर 2 वो कार्ड्स जिनका लेवल 5 से कम होगा। यानी कि अगर यहां पर आप देखें तो मेरे कार्ड्स के लेवल 5 से ज्यादा ही आपको दिखाई देंगे। और ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा एयर ड्रॉप मिले। जिन कार्ड का लेवल 5 से लेकर 10 तक का है पर कार्ड आपको 0.1 एयर ड्रॉप मिलेंगे, और जिन कार्ड का लेवल 10 या इससे ज्यादा का है पर कार्ड आपको 0.2 एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। अब ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, आप लोग इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास 50 कार्ड्स हैं तो मुझे कितना मिलेगा, क्योंकि मेरा लेवल 10 से ऊपर का है तो मुझे जनाब यहाँ पर 10 एडिशनल एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। चलें इसको भी हम लोग अपने मेन कैलकुलेशन में ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी। अब जनाब लास्ट स्टेप की जानिब चलते हैं कि एक एयर ड्रॉप कितने डॉलर्स का होगा, ताकि उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अपने टोटल डॉलर्स को कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर एक बात आपने समझनी है, मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का लेवल 7 या इससे ज्यादा का ही होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बात बता देना चाहूंगा कि अगर आपका लेवल 7 से कम है तो आप लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि एयर ड्रॉप्स आपको नहीं दिए जाएंगे, या फिर टोकन के तौर पर आप लोगों को चंद डॉलर्स के एयर ड्रॉप्स दिए जाएंगे, इससे ज्यादा के नहीं। एक एयर ड्रॉप कितने डॉलर्स के इक्वल होगा, नॉट कॉइन के यूज केस को देखते हुए जनाब इस बात का अंदाजा लगाना काफी हद तक आसान है। तो जनाब इसका इनिशियल रेट 0.001 डॉलर से लेकर 0.005 डॉलर तक का हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने लगा हूं। चलें यहां पर मैं मैक्सिमम रेट नहीं बल्कि एवरेज रेट लेकर आपको टोटल करके दिखाता हूं। चलें मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 0.003 से, तो जनाब ये 60 डॉलर्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 17,000 से ज्यादा की अमाउंट बनती है। यहीं पर एक और बात मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। नॉट कॉइन 16 मई 2024 को बाइनांस पर लिस्ट हुआ था। अगर आप इसका ऑल टाइम लो रेट देखें तो वो 0.004 था, और 2 जून 2024 को इसने अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर लिया, जो कि 0.0289 डॉलर्स का है। अब यहां पर एक बात आपने लॉजिकली समझनी है, अगर नॉट कॉइन के ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई पर हम अपने इसी एयर ड्रॉप को कैलकुलेट करें तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? ऑल टाइम लो के साथ अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 92 डॉलर्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 26,000 से ज्यादा की अमाउंट है। और अगर अपने इन्हीं एयर ड्रॉप्स को मैं नॉट कॉइन के ऑल टाइम के साथ कैलकुलेट करूं तो जनाब ये 578 डॉलर्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 1,64,000 से ज्यादा की अमाउंट बनती है। लेकिन जिस दिन ये टोकन लिस्ट हुआ था तो इसका हाई रेट 0.037 डॉलर्स था।
जो कि एक आध मिनट में सेलिंग प्रेशर की वजह से काफी कम हो गया था। अब जिसने इसे लिस्टिंग के फौरन बाद सेल किया उसे जनाब $740 मिले होंगे, जो कि पाकिस्तानी 2,10,000 से ज्यादा की अमाउंट बनती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब ये टोकन लिस्ट होगा तो सेलिंग प्रेशर निहायत ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी कम्युनिटी 255 मिलियन से ज्यादा की है। तो एक आध मिनट में ही इसका रेट काफी कम हो जाएगा, जो कि दोबारा ऊपर जाने में कुछ अरसा जरूर लगाएगा। ऐसा ही हर कॉइन के साथ होता है, लेकिन जनाब कुछ कॉइन्स ऐसे भी होते हैं जिसका इनिशियल रेट ही ऑल टाइम हाई होता है, उसके बाद वो टोकन नीचे से नीचे जाता रहता है। अब हैमस्टर कॉम्बैट के केस में क्या होगा? क्या हमें अपने एयर ड्रॉप्स को होल्ड करना चाहिए या लिस्ट होने के बाद फौरन से सेल करने चाहिए? आप अगर बिल्कुल रेडी हो, आपको विड्रॉ के मेथड का प्रॉपर तरीके से पता हो, तो आपने अपने कॉइन्स को पहले दिन चंद ही सेकंड्स के अंदर सेल करना होगा। लेकिन उसके रेट को देखते हुए आंखें बंद करके आपने इसको फौरन से सेल नहीं करना। और हाँ, विड्रॉ का अगर रियल मेथड अभी तक आपको नहीं पता तो इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने इस वीडियो को बहुत ही डिटेल के साथ देखना है। इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने आजकल में ही कंप्लीट करना है, और कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने लिस्टिंग के फौरन बाद करने होंगे। इस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। याद रखिएगा कि आपने कभी भी बहुत ज्यादा उम्मीदें किसी भी ऐप से वाबस्ता नहीं करनी, आपने एवरेज कैलकुलेशन के साथ चलना है। ये नहीं सोचना कि मैं इससे घर बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा, नो, ऐसा बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप ठीक तरीके से चलें तो आप लोगों को एक रीजनेबल प्रॉफिट जरूर होगा, क्योंकि मैं कभी भी वो उम्मीदें नहीं बनाता जो जब टूटे तो उससे तकलीफ हो। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अभी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत कुछ सिखाना है। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।